हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में पीस मिल वर्कर के तौर पर भर्ती किए गए कर्मी सरकार से उन्हें अनुबंध आधार पर लाने की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर हड़ताल पर उतर चुके हैं। उसी के समर्थन में मंगलवार को मंडी में भी पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन जारी रही। इस दौरान पथ परिवहन निगम की सौली खड स्थित वर्कशॉप में कर्मचारी तो आए लेकिन अपनी मांगों को लेकर टूल डाउन स्ट्राइक पर अड़े रहे। HRTC पीस मिल कर्मचारियों का कहना है कि वे निगम प्रबंधन से अपनी मांगे एक लंबे समय से उठाते रहे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता उनका विरोध प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगा। कर्मचारी मंच मंडी के अध्यक्ष रजत रावत ने इस मौके पर क्या कहा सुनिए। आज से पूरे प्रदेश के पीस मिल कर्मचारी दूसरे दिन की टूल हड़ताल पर बैठ चुके हैं और निगम प्रबंधन और प्रदेश की सरकार अभी तक गहरी निद्रा में सोई हुई है। पीस मिल कर्मचारी पिछले बहुत समय से हड़ताल कर रहे थे, धरने भी किए, उसके बाद हमें सिर्फ आश्वासनों का ही सामना करना पड़ा। इस बार हमें मजबूर होकर पीस मिल कर्मचारी मंच को यह निर्णय लिया गया और हम जब तक पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया जाता तब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांग निगम प्रबंधन और प्रदेश की सरकार से एक ही है कि पीस मिल कर्मचारियों को जो 128वीं मंडल निदेशक की बैठक हुई थी उसमें जो फैसला हुआ था उसी के तहत सभी कर्मचारियों को एक मुक्त अनुबंध पर लाया जाए। या तो रखे सा अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।